श्री मान सिद्धू जिमें कल बोले पंजाब दे दूजे हरजीत गरेवाल बनना चाहते हैं, जिन्ना हंकार उन्हां च बोलिया कल पंजाब दे जिहड़े कांग्रेस दे एमपी आ उह मोदी दे नाल खड़े आ ते पार्लीमेंट चों गैर हाजर रहे आ ते वोटर विप दी उलंघना कीती आ ते खुद नूं क्वालीफाइड कर लिया अपने घराओ दे वास्ते। पहली वारी आ कि उन्हां दी पार्लीमेंट दे बराबर पार्लीमेंट लाई आ ते उन्हां दी पार्लीमेंट चों उठ के 20 बंदे किसानां दी पार्लीमेंट च आए आ। तूं सिर्फ ते सिर्फ इक्को अख जिहड़ी हैगी आ तेरी कुर्सी ते टिकी होई आ, खुद नूं खूह कह रहा ते इन्हां मोर्चिआं च डटे योध्यां नूं प्यासे कह रहा। कैप्टन ने कहा कि घर घर नौकरी देवांगे, वादा कीता कैप्टन ने ते कुर्सी तों लाता सुनील जाखड़। तुसीं क्यों मूर्ख बनाउण लगे होए हो, प्यासे असीं नहीं, तूं जरूर भुखा ते इत्थे लंगर चलदे आ साडे आके छक। बहुत ही सत्कारयोग पंडाल च विराजमान सत्कारयोग बजुर्गो मताओ भैनों नौजवान वीरो, सब तो पहला फतेह प्रवान करनी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कल आप सामने देखिया के पंजाब दे विच कांग्रेस दे नवे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू होरां दी ताजपोशी हुई है और उन्हां दी जिहड़ा हंकार सीगा कल उह सिखर ते सी, बकरी अंगी वांगू मैं उन्होंने बहुत किया, दर्जना वार मैं शब्द उन्होंने अपने भाषण च वरत्या और इस अंदोलन च डटे हुए योधियां बारे कहा कि खूह प्यासे कोले नहीं जांदा, प्यासा खूह दे कोले जांदा। खुद नूं खूह कह रहा ते इन्हां मोर्चिआं च डटे योध्यां नूं प्यासे कह रहा। पहली गल कि प्यासा ते भुखा कौन आ, इह नतारा करन दी जरूरत आ। प्यासे उह नहीं गए जिन्हां ने 550 तों उपर शहादतां दित्तियां इस मोदी हुकूमत दे खिलाफ, प्यासे उह नहीं गए जिन्हां ने ओश हिंदू तवी फाशीवादी रथ का पहिया जाम किया योधिया ने, प्यासे वह नहीं गए जिन्होंने 7 साल दे विच पहली वारी आ कि उन्हां दी पार्लीमेंट दे बराबर पार्लीमेंट लाई आ ते उन्हां दी पार्लीमेंट चों उठ के 20 बंदे किसानां दी पार्लीमेंट च आए आ ते वह पार्लीमेंट किसानां दी पार्लीमेंट अगे बौणी साबित होई आ। प्यासे असीं नहीं, तूं जरूर भुखा ते इत्थे लंगर चलदे आ साडे आके छक। इक भुखा हुंदा ते इक भुखड़ हुंदे, तूं भुखड़ आ सिद्धू, श्रीमान सिद्धू तुहाडी भुख जिहड़ी आ उह सिखर ते आ और अपना उह भुखड़पुणा शांत करन दे लई कदे तूं टपूसी मार के किहड़ी पार्टी च ते कदी टपूसी मार के किहड़ी पार्टी च, उही भाषण तू गुरु साहब की उस्त च करदा, ओही भाषण तू आसाराम की उस्त च करदा, ओही भाषण सोनिया राम की उस्त, सोनिया गांधी की उस्त दे विच ते ओही भाषण नरेंद्र मोदी की उस्त दे विच, फर्क की समझदा तू? तू सिर्फ ते सिर्फ इक्को अख जिहड़ी हैगी आ तेरी कुर्सी ते टिकी हुई है। कल इह तां पेश कीता गया कि जिवें प्रधान बन के बहुत कुछ पंजाब च हो जाना। पहली गल किसे पार्टी का प्रधान होना कुछ संविधानक अहुदा नहीं है, पार्टी का प्रधान होके कुछ नहीं कर सकता। पंजाब की थोड़ी कैप्टन सरकार ने वादा किया सीगा गुटका साहब की सौ खा के दमदमा साहब पवित्र धरती वाल हथ करके कि जदों साडी सरकार आई किसानां दा भावें बैंकां दा भावें आड़तियां दा भावें सोसाइटियां दा कर्जा माफ करांगे, वादा कीता सी कैप्टन ने। वादा कीता सीगा कैप्टन ने ते कुर्सी तो लाता सुनील जाखड़। तुसी लोकां नूं मूर्ख बना रहे हो, कैप्टन ने कहा कि घर घर नौकरी देवांगे, वादा किया कैप्टन ने ते कुर्सी तो लाता सुनील जाखड़। तुसी क्यों मूर्ख बनाउण लगे होए हो,
प्रशांत किशोर जिहड़ा तरीके दसदा जिन्हें पिछली बारी कैप्टन नूं मुख्यमंत्री बनाउण दे विच इह तरीके दसे कि किवें झूठ बनाउणा। हुण एक भी कांग्रेस दे अंदर कलेश आ, सारा ध्यान कांग्रेस ते जावे ते कल जिहड़े आ चंडीगढ़ च जिन्हां दा कलेश कह रहे सी ओह सब कट्ठे सी, कट्ठे हो के इन्हां ने लोकां नूं जिहड़ा हैगा ओह मूर्ख बनाउणा। और साडे समझण वाली गल इह आ कि फर्क की पैणा, दुकान भी ओही, दुकान कैडी कांग्रेस, दुकानदार भी ओही, दुकानदार कौन कैप्टन, ते रेट भी ओही, सौदा भी ओही, ते गाहक किवें खुश हो जाणगे श्रीमान सिद्धू, पंजाब दे लोक किद्दां खुश हो जाणगे, सारा कुछ तां ओही चल रहा। असल दे विच की होया कि साढ़े चार साल लोकां नूं जिहड़ा मूर्ख बनाया, वादे किते कि जिन्हां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की दोषियों नूं सजावां देवांगे, किसानां दे कर्जे ते लीक मारांगे, घर घर नौकरी देवांगे, ओह सब गल्लां हवाई निकलियां ते लोकां दा गुस्सा थोड़े खिलाफ, ते अज तुसी लोकां दा गुस्सा खारज करन वास्ते ये कह रहे हो कि नवां प्रधान बनाता जी, ये पता नहीं की नवे वंज गढ़ दूगा, तेरे तो कुछ नहीं होना गा। मैं दसदा भी किवें नहीं कुछ होना कि जो श्रीमान सिद्धू दे कोले इसे सरकार दे विच लोकल बॉडीज दा टूरिज्म ते हैरीटेज दा डिपार्टमेंट सी, फिरोजपुर दे तूड़ी बाजार दे विच शहीद आजम भगत सिंह होरां दा एक गुप्त टिकाणा सी, हिंदुस्तान दा उन्हां दा मुख टिकाणा सी, उन्हां दी पार्टी HSRA दा ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉੱਥੇ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ 2015 ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਲਾਨਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਲਾਨਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ ਜਾ ਕੇ 2.5-3 साल हो गया बयान दे के आए, अखबारां दीआं फोटो कापियां साडे कोले पईआं ने कि शहीद आजम भगत सिंह दा टिकाणा सांभिया जाऊगा। जदों तुसीं शहीद आजम दा ते ओह दर्जन पारे देश दे चोटी दे क्रांतिकारियां दा ओह अहम इतिहासक धरोहर नहीं सांभ सके ते फिर खटखट कलां जाके जदों पखंड करोगे ते लोक तुहानूं काले झंडिआं दे नाल ही सन्मानित करनगे। इस करके अज सानूं इह समझणे दी जरूरत आ कि जिन्ना कुछ हो रहा यह सब तमाशेबाजी आ। जे सिद्धू साहब यह कहिंदे आ कि भी असी दसो की करिए, असी कहने कि सब तो पहला तो फिर तुसी उन्हां एमपीआं ते कार्रवाई करो जिन्हां ने वोटर विप की उलंघना करके, जेड़ा वोटर विप संयुक्त किसान मोर्चे इन्हां नूं भेजिया कि तुसी पार्लीमेंट दे विच हाजर रहना, खेती कानून रद्द करन तो बिना कोई गल नहीं चलन देनीगी, तां तुहाडे एमपी कल पार्लीमेंट च नहीं सीगे, ओह तुहाडे सौ चुक समागम दे विच पहुंचे हुए सीगे। शर्म आउणी चाहीदी तुहानूं ते उहनां पंजाब दे सारे एमपीआं नूं। लगदा कि श्रीमान सिद्धू जिवें कल बोले आ पंजाब दे दूजे हरजीत गरेवाल बनना चाहुंदे आ, जिन्ना हंकार उन्हां च बोलिया और जिवें उन्हां दे एमपी पार्लीमेंट चों गैर हाजर रहे आ, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐलान किया होया कि जेड़ा चुप्पी तोड़ो जां कुर्सी छोड़ो, जे तुसी पार्लीमेंट दे विच खेती कानून रद्द करन दी आवाज नहीं उठाउणी, बीजेपी दे पक्ष भुगतना, तां तुहाडा वी पंजाब च घराओ कीता जाऊगा। कल पंजाब दे जिहड़े कांग्रेस दे एमपी आ ओह मोदी दे नाल खड़े आ ते पार्लीमेंट चों गैर हाजर रहे आ ते वोटर विप दी उलंघना कीती आ ते खुद नूं क्वालीफाइड कर लिया अपने घराओ दे वास्ते। दूसरी गल के कहिंदे करां की दसो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जेड़े 1991 दे विच
देश के वित्त मंत्री सी, कदे पंचायत मैंबरी की चोण तक नहीं जिते डॉक्टर साहब, पर वो देश दे सीधे वित्त मंत्री बने, बाद प्रधानमंत्री बने। कितों नहीं चोण जिताई लोगों नूं, उन्हां लोगों ने उन्हां नूं इस देश दे विच निजीकरण दीआं नीतियां दा मुढ बनण वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आ, ते अजे तक खेती कानूनां दे खिलाफ डॉक्टर मनमोहन सिंह दा बयान नहीं आया गा। इस करके पहला बयान दवाओ डॉक्टर मनमोहन सिंह तो कि वह कह के खेती कानून रद्द होने चाहिए आ। उन्होंने बयान इस करके नहीं दिता क्योंकि वह कहें कि इस तरह के देश का जल जंगल जमीन कंपनियां वेचण की जड़िया नीतियां का मुढ़ इस मुल्क उन्हें बनिया। अगली गल ते आखिरी गल कि इस मुल्क दे विच जड़िया निजीकरण नीतियां का मुढ़ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनिया, वह कांग्रेस पार्टी के लीडर सी। और तुसी श्रीमान सिद्धू केड़ियां पार्टियां च रहे, बीजेपी च रहे 10 साल, बीजेपी भी यही कुछ करती रही आ, कांग्रेस आए हाँ ये भी यही कुछ करती रही आ, ते जेड़ा आहा मीडिया मैनेजमेंट दे राही जां प्रशांत किशोर दे जेड़े लोकां नूं मूर्ख बनाउण दे तरीके पहला कैप्टन नूं दसे ते हुण तुहानूं दस रहा, इहदे नाल लोक जेड़े आ उह मूर्ख नहीं बनाए जा सकदे, ते इह प्यासे नहीं गए, इह अन्नदाते आ। और इन्हां ने मोदी दी जेड़ी हिक ते गोडा रख्या होया और उहदे बराबर जिहड़ी पार्लीमेंट चल रही आ, और उहदे चों कल इक कानून रद्द करता, उस पार्लीमेंट ने कानून भी रद्द कराने आ, ते बीजेपी भी रद्द करनी आ, ते तुहाडे अरगे भंडां दा भी जिहड़ा हैगा वह भांडा पूरी दुनिया च भनना। इन्हीं बेनतियां दे नाल तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह। 5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात, ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण, ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान, ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।